देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनू शर्मा। आजकल हमारी धरती को कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन ग्रेटर नोएडा के एक प्रोफेसर को धरती की फिक्र है। जहरीली हो रही हवा को उन्हें चिंता सता रही है, इसलिए वह चर्चा परिचर्चा से दूर जमीन पर उतरकर हवा को कम जहरीला बनाने का काम कर रहे हैं। ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप मलिक रोज सुबह दूध के डिब्बों में पानी भरकर अपनी 8 लाख की गाड़ी में रखते हैं और आसपास लगे सूखे पौधों की सिंचाई कर उन्हें सांस देते हैं, ताकि हम सभी को साफ हवा मिल सके। उनका साथ कुछ स्टूडेंट भी दे रहे हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में पौधे भी लगाए हैं और इनकी देखभाल भी कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप ने पॉल्यूशन की दिक्कत को देखते हुए कुछ ठोस कदम उठाने की सोची है। उन्होंने अपने कॉलेज के सामने नॉलेज पार्क एरिया और शहर के अन्य स्थानों पर पौधे लगाना शुरू किया है। उनकी इस मुहिम से प्रेरित होकर 60 से अधिक छात्र उनके साथ कार्य में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक वह शहर में 1500 से अधिक पौधे लगा चुके हैं और उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। नॉलेज पार्क में पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल के लिए खुद जिम्मा उठाया है। उन्होंने पौधे में पानी देने के लिए 10 दूध के डिब्बे खरीदे। सुबह कॉलेज आते समय डिब्बों में पानी भरकर लाते हैं और 20 पौधों में पानी देते हैं। उसके बाद कॉलेज से छुट्टी होने के बाद फिर उनके डिब्बे में पानी भरकर पौधों में डालते हैं। अब इस मुहिम में कॉलेज की मैनेजमेंट व कॉलेज के छात्र भी शामिल हो गए हैं। प्रोफेसर कुलदीप ने बताया कि उनके पिता इंद्र सिंह और माता वेदवती रिटायर्ड सरकारी टीचर हैं। उनकी पत्नी नोएडा स्थित MET यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जब उन्होंने गाड़ी में पानी ढोने का काम शुरू किया तो उनके परिवार के लोगों ने विरोध किया था, लेकिन अब वे भी उनके इस मुहिम में शामिल होकर उनका साथ दे रहे हैं। देश की हवाओं को जहरीला होने से अगर हम बचा सकते हैं तो हमें भी ऐसा ही काम करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।